ये देखो, अगर इसको सॉल्व करना हो, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और एक बार y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। पहले मेरे को बताओ, इन दोनों में कुछ अंतर है क्या इसमें और इसमें? बोलो बेटा। इसका तो मतलब यही है, और इसका मतलब है जो एक्स की वैल्यू डालेंगे वो स्क्वायर करके डालेंगे साइन। तो देखो पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले जो बड़ा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे पहले फंक्शन कौन सा है? साइन, उसके अंदर एक्स स्क्वायर डाला, बेटा एक बार ये सुन ले, बाद में बताता हूँ। इधर देखो, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा फंक्शन क्या है? साइन है, और यहाँ पे बड़ा फंक्शन क्या है? स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन में साइन डाल रहे हैं, हाँ या ना? तो इसमें जो पहले बड़ा फंक्शन है ना, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, साथ में जो चीज है अंदर वो ऐसे की ऐसे मल्टीप्लाई, जो अंदर जो चीज डाले ना उसका डिफरेंशिएशन, तो वो कितना है? 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन ही हुआ। अब इसको देखो, ये क्या है, ये पहले क्या है? स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 sin x, या 2 इधर आ गया, 2 - 1, ये ऐसा गया ऐसा गया, इन टू। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही क्या है? cos x। मतलब पहले बड़े वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके अंदर ऐसा गया ऐसा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। जैसे एक और दिखाता हूँ, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले कौन सा फंक्शन बड़ा है? क्यूब वाला है, तो किसको क्या बन जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा? 3 sin x² आया ना, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा 3 sin² x इंटू कॉस एक्स। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, वाई इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, तो बड़ा फंक्शन कौन सा है? साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कर दो। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या है बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? जैसे एक और देख लो, y इक्वल टू लॉग ई एक्स स्क्वायर। अब देखो लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय, यही होता था ना जो x होता था, ऐसा का ऐसा। तो लॉग ई 1 बाय x² इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x। अगर तुम इसको ऐसे करते, लॉग ई एक्स और इसका स्क्वायर होता, तो इसको ऐसे करते dy/dx, पहले स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 log ex, और फिर x का डिफरेंशिएशन क्या? log ex का डिफरेंशिएशन क्या होता? 1 by x। तो इसका आंसर क्या होता? 2 log ex/x। इसका आंसर क्या आएगा? टू बाई एक्स। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले बड़े फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर छोटे वाले का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे छोटे वाले का करना है। एक और देखो, मैंने यहां लिखा, देखो वाई इक्वल टू लॉग ई साइन x³। अब देखो ये और भी बड़ा हो गया, आया ना? तो अब देखो क्या, सबसे पहले बताओ किसका डिफरेंशिएशन करोगे, बताओ मेरे को, कोई भी बोलो, आकर्षित तुम बोलो। बोलो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? यार तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, क्या चक्कर है? बोलो बेटा,
आयुष्मान तुम बोलो। यस सर। आवाज तो आ रही है यार, आप बता सबसे पहले सबसे बड़ा फंक्शन कौन है इसमें? सर लॉग। ठीक है, उसके बाद में सर साइन, और उसके बाद में एक्स। एक्स है या एक्स क्यूब है? एक्स क्यूब। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करें? सर लॉग। क्या आ जाएगा? साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करें? साइन। फिर क्या आ जाएगा? कॉस। अब किसका डिफरेंशिएशन करें? एक्स क्यूब। थ्री एक्स एक्स स्क्वायर। अभी भी नहीं आया समझ में लॉजिक? फिर आ गया। एक और देखो, आप बताओ सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करें? ये तो इसको एक्स ही मान लो पूरे को, तो क्या आ जाएगा? इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करें? फिर साइन। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? कॉस एक्स क्यूब। एक्स क्या क्या आ जाएगा? 2x। अब बताना इसका क्या आएगा? दोनों में अंतर है ना? कोई बात नहीं आकर्षित, कोई बात नहीं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e sin स्क्वायर x cos x। अब पहले बताओ ये कौन सा है? नहीं, साइन बड़ा फंक्शन है या स्क्वायर फंक्शन बड़ा है इसके अंदर? साइन। इन दोनों में अंतर नहीं लग रहा तुम्हें कुछ? यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? इस पूरे का स्क्वायर होता है। यस सर। हाँ बताओ तो सर यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर फंक्शन है तो स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन? टू साइन एक्स आया ना? यस सर। इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन? याद देखो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ये था, पहले तो टू इधर आ जाएगा, ऊपर वन आ जाएगा, फिर अंदर उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया ना? यस सर। क्या ही समझ में आई बात? यस सर। अब देखो लिख लो एक बार, इनको लिख लो। जब लिख लो तब बता देना। लिख लिया क्या? नो सर। जल्दी लिखो। हो गया बहुत बढ़िया।
तब देखो ध्यान से समझो एक चीज, एक्चुअली है क्या, वाई एज ए फंक्शन ऑफ जी एज ए फंक्शन ऑफ एच, ऐसा था ये, ठीक है। जैसे था वाई इक्वल टू लॉग ई साइन एक्स की पावर थ्री, कुछ ऐसा आया ना। तो यहाँ पे एफ फंक्शन कौन सा है बताओ, इन दोनों को कंपेयर करें, एफ फंक्शन कौन सा है सबसे बड़ा? सर लॉग ई। जी फंक्शन कौन सा है? सर साइन। और एच फंक्शन कौन सा है? सर क्यूब। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते थे, इसका डिफरेंशिएशन करते थे, तो डी एफ जी एच एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में सर। हाँ, तो जो फंक्शन पहले आएगा पहले उसी का करेंगे डिफरेंशिएशन। ऑब्वियसली बात है। अब देख, ये फंक्शन अगर मैं इसको x लिख देता तो ये पूरा x अपॉन dx हो जाता ना, देख। यस सर। इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? जी का करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? जी एच एक्स। एच एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। Yes. तो जी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। आप किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? सर एच 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 एक्स का किसके रिस्पेक्ट में? डीएक्स। डीएक्स के रिस्पेक्ट में हो गया पूरा सॉल्व। अब देखो ध्यान से देखना एक चीज, मेरे को ये बताओ क्या ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएंगी? यस सर। ये चीज और ये चीज कैंसिल हो जाएंगी? यस सर। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है? सर एक्स। बस ये तो है, dy by dx ही तो लिखा, तो आ तो गया, करने का स्टाइल हो गया, आया ना। Yes, तो यही तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी तो यही कर रहा हूँ। इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या जाएगा? 1/1 साइन एक्स क्यूब। फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या जाएगा? साइन का कॉस एक्स क्यूब। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? इस रूल को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको? चेन रूल। चेन रूल बोलते हैं। समझ में आ गया चेन रूल? मैं ऐसे लिखता तो ये समझ में नहीं आता तुम्हें, लेकिन ये मैंने ऐसे कई सारे एग्जांपल करवा दिया ना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके। इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन बताओ। इसका डिफरेंशिएशन बताओ, करो सॉल्व। सर फर्स्ट वाले में सर साइन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो पहले लॉग करेंगे। तो आंसर लिख लो, फिर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हें आंसर क्या आने चाहिए। ओके सर। सॉल्व कर दूं क्या मैं? यस सर। यस सर। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वन कॉस इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन वन बाय साइन वन अपॉन एक्स की पावर फोर इसका इसके रिस्पेक्ट अब इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका आ गया इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा टू साइन एक्स क्योंकि एक्चुअली यही चीज है इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अब इसका देखो पहले इसका देखो एट लॉग ई एक्स की पावर सेवन की पावर सेवन इसको पूरा एक्स मान लो इनटू अब इसका डिफरेंशिएशन अब इसका डिफरेंशिएशन क्या समझ में आ गया यस सर सो हाँ सो सेकंड वाले में सर थ्री कॉस के साथ नहीं आएगा है सर सेकंड वाले में सर थ्री कॉस एक्स के साथ नहीं आएगा वो चीज इसको तो इधर लिख दे इसको इधर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता पहले स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंस थ्री तो ऐसा कैसे रहता कांस्टेंट इसका क्या होगा टू साइन एक्स और फिर अंदर वाले का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अब समझ में आ गया यस सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से उसने कहा था कि लॉग ए बताओ लॉग ई फाइव ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वन बाय फाइव जीरो कांस्टेंट नहीं है एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो वाई की वैल्यू लॉग ई फाइव ही आती है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है सर जीरो जीरो होता है क्या लॉजिक समझ में आ गया क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको यस सर चलो बहुत बढ़िया बात है अब थोड़ी सी इसकी एक बार एप्लीकेशन देखो अगर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है मतलब ये पोजीशन ऑफ ए टाइम है मतलब t इक्वल टू वन पे पार्टिकल किस पोजीशन पे था नंबर लाइन पे ऐसे सोचो बताओ t इक्वल टू जीरो सेकंड पे कहाँ था पार्टिकल पार्टिकल की पोजीशन क्या थी सर जीरो यहाँ पे थी यस सर t इक्वल टू वन पे सर राइट साइड कहाँ पे फोर फोर पे फोर t इक्वल टू टू पे सर फोर्टीन सर फोर्टीन तो इसका मतलब ये पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा होगा हाँ या ना Yes, sir. अगर मैं किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी पूछूं, तो देखो मेरे को बताओ x पोजीशन है तो डेल्टा x क्या चीज होगी जल्दी बोलो डेल्टा x क्या चीज होगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल क्या बोलते हैं चेंज ऑफ x चेंज क्या बोलते हैं सर डिस्प्लेसमेंट तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल क्या चीज आती है सर वेलोसिटी 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 आ गई समझ में आ रही है मेरी बात लेकिन डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dx / dt यस सर तो dx / dt क्या चीज देगी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी किसी भी मोमेंट पे टाइम पुट करो उस मोमेंट की वेलोसिटी आ जाएगी जैसे इसका डिफरेंशिएशन करता हूं देखो dx by dt देखो क्या आता है कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बोलो बेटा 60 इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा वन तो अब आपको क्या मिल गई वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया अब बताओ टी इक्वल टू जीरो पे क्या वेलोसिटी थी
टी इक्वल टू जीरो टाइम पे क्या वेलोसिटी थी पार्टिकल, पुट कर दो टी की वैल्यू जीरो जीरो वन वन मीटर पर सेकंड, इसका मतलब जब ये पार्टिकल यहां था ना इसकी वेलोसिटी धरती वन मीटर पर सेकंड, आई बात समझे। टी इक्वल टू टू पे क्या वेलोसिटी थी थर्टीन, तो थर्टीन टी इक्वल टू टू सेकंड पे फोर पे था ये, टी इक्वल टू वन सेकंड टी इक्वल टू वन सेकंड पे क्या वेलोसिटी हुई सेवन सेवन मीटर पर सेकंड, उस टाइम पे कहां पे था फोर पे था ना, तो जब ये फोर पे था ना फोर पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी थी सेवन मीटर पर सेकंड। अब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हो, यस सर। तो कभी भी अगर आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये टी क्यूब है, अब बताओ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो इससे। सर टी क्यूब प्लस वन है, हाँ टी क्यूब प्लस टू है, फिर से लिख देता हूँ। अब बताओ थ्री टी स्क्वायर, बिल्कुल, तो डी एक्स बाई डी टी दैट इज वेलोसिटी आ गई थ्री टी स्क्वायर प्लस जीरो। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ये क्या चीज है, सुनो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें फोन लगाती है, कहती है बेटा किस स्पीड स्कूटी किस स्पीड से चला रहा है, तो तुम ऐसा तो नहीं करते पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते फिर टाइम निकालते फिर बताते हो, मेरे हिसाब से स्पीडोमीटर को देखते हो और वेलोसिटी सीधी बता देते हो उसी मोमेंट पे, हाँ है ना। यस सर, यस सर। आप जो वेलोसिटी बताते हो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई है, नहीं? यस सर। अब समझ में आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, पोजीशन का टाइम के साथ। हाँ है ना, मेरे को ये बात है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ क्या मिलेगा, देखो dv क्या चीज आएगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या चीज आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है सर, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, 15t^4 अब बताओ एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगा, 6t + 2 बहुत बढ़िया। अब मेरे को बताओ x इज इक्वल टू 3t^7 + t^4 + 1 वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ कितना आएगा, 21t6
एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 21 raised to power 6 plus 6 40 cube plus 0. अगर एक्सेलरेशन yes. निकालना हो तो अब क्या आएगा? इसी से एक्सेलरेशन निकालना तो क्या आएगा? है ना? यस सर। अब बताओ क्या तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हो तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन आता है, हाँ है ना? यस सर। ये लॉजिक लिख लो और जब लिख लो तो बता देना। सर लिख ली। लिख लिया? यस सर। अब देखो डिफरेंशिएशन बताता क्या है। देखो ग्राफिकली क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? एक ग्राफ है, सबसे पहले स्लोप क्या चीज होती है? एक स्लोप देखो, स्लोप क्या चीज होती है? अगर ये एक लाइन है ना और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आप एंगल ले लो थीटा, ये वाई एक्सिस है, तो इसको स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा की वैल्यू होती है। टेन थीटा, अगर मान लो ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो स्लोप कितना होता है इस लाइन का? वन आता। मतलब अगर स्लोप वन है तो 45 डिग्री एंगल होगा। अगर मैं कह दूं अगर स्लोप है किसी लाइन की √3, इसका मतलब 60 कुछ ऐसा 60 डिग्री बनता है। स्लोप है 1/√3 30 तो मतलब ये कुछ लाइन ऐसे बन जाती, कहीं पे भी बना दो चाहिए, हाँ या ना? यस आगे पीछे कहीं पे भी बना दो। अगर मैं कहता हूं कि स्लोप है -1 सर क्लॉकवाइज बने 135 डिग्री, यस यहां से 135 डिग्री या फिर यहां से 45 डिग्री, हाँ या ना? अगर मैं कहूं स्लोप है -1/√3 बोलते जाओ, बस देखो पॉजिटिव स्लोप है तो यूं कर दो लाइन को, नेगेटिव स्लोप है तो यूं कर दो। समझ में आ गई मेरी बात? मतलब ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो 1/√3 कितना एंगल होता है? 120। अरे वन बाय, वैसे बताओ 1/√3 कितना एंगल होता है? 30 डिग्री। तो बस इस बार बस आप 30 डिग्री इधर से बना दो और कुछ नहीं है, तो यहां से 150 डिग्री हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। अगर इसका स्लोप है 3 हाँ तो एंगल क्या होगा? इस दूसरे साइड से 60 आएगी। यहां से 60 बोल दे या फिर यहां से कितना बोलोगे? 120 डिग्री बोलोगे। बहुत बढ़िया, गुड।
अब देखो इसका स्लोप क्या होगा? 90. वो तो एंगल है, स्लोप. नॉट डिफाइंड, या कई बार इनफिनिटी भी बोल देते हैं लोग. क्या बात समझ में आ गई? यस सर. पक्का? यस सर. तो तुम्हें स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मेरे को ये बताओ इस लाइन की स्लोप कैसी कितनी है? नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड ही क्यों? इसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना हुआ ये बताओ मेरे को. इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? तो जीरो जीरो टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? टेंडिंग टू जीरो. जीरो. इसकी स्लोप क्या होगी? जीरो. जीरो. हाँ है ना. क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर. स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? अब देखो तो अगर स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है. समझ में बात? जैसे एक्स की वैल्यू वन पुट करो, वाई की वैल्यू पूछेगी. एक्स की वैल्यू टू पुट करो, वाई की वैल्यू. उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो ग्राफ के ऊपर, तो ऐसा कर्व बन जाएगा. जैसे मैं बोल दू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो तुम एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू फोर, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका. यस सर. अब लॉजिक समझ में आ गया. ऐसा कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसका एक ग्राफ बन गया हो. ठीक है, समझ में आई बात? यस सर. अब सुनो, ये एक कर्व है. इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे अगर मैं बोलता हूं एक टेंजेंट ड्रॉ करो. टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब समझो. इसका मतलब एक लाइन ऐसी है जो इसको इस पॉइंट पे टच करती हुई निकलती है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी. टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा. क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं. आई बात समझ में? ये बताओ इस पॉइंट पे क्या ये टेंजेंट है? ये वाली टेंजेंट है क्या? क्यों? क्योंकि इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है. अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आप कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे जो एक पॉइंट पे टच करती हुई निकले. हाँ है ना, ये टेंजेंट है. इस पॉइंट पे मैं बोलूं टेंजेंट ड्रॉ करो, तो तुम ऐसे ड्रॉ करोगे. इस पॉइंट पे बोलूं टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो एक ऐसी लाइन जो जस्ट इसको यहाँ से टच करती है. इस पॉइंट पे बोलूं टेंजेंट ड्रॉ करो, तो कुछ ऐसे. क्या लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा जी? यहाँ तक सबको समझ में आई बात? अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बताता क्या है टेंजेंट वाला सिस्टम. ये वैल्यू x है, ये वैल्यू है इससे आगे आगे अपन x प्लस डेल्टा x. तो ये वैल्यू y है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? y प्लस डेल्टा y. भाई एक्स में कुछ चेंज आएगा तो वाई में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा. हाँ है ना. ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है. अगर मैं इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दू यही हूं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा. अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, टेन थीटा कितना आएगा, तो मेरे को एक बार बताओ ये लेंथ कितनी है?
यहां से लेके ये लेंथ कितनी है? फिर डेल्टा एक्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये लेंथ कितनी है? फिर डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, डेल्टा टी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? देख लो यार, टेन थीटा क्या आएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आया ना वो लाइन जो कर को दो पॉइंट पे काट के ना, उसको बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं उसको? सीकेंट। सीकेंट। अब सुनो, मैंने भी सिखाया, अगर डेल्टा एक्स स्मॉल होता जाए, है ना, दैट इज, मैं इसको ऐसे कर दूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को और क्या लिख सकते हो तुम? क्या लिख दोगे इस चीज को जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए? तो इस चीज को क्या लिखते हैं? डी वाई बाय डी एक्स। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना, अगर डेल्टा एक्स छोटा होता जाए, ठीक है, दूसरे कर्व में समझा रहा हूं ये बात मैं, क्योंकि इसको गंदा नहीं करना चाहता मैं, ये पी पॉइंट मान लो, ये क्यू पॉइंट मान लो, दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा वाई। अब ध्यान से देखना, एक चीज बताओ, अगर डेल्टा एक्स कम हो जाएगा तो ये मान लो ये पॉइंट की सके आ जाएगा। देखो डेल्टा एक्स कम हो गया ना, yes, तो अब ये लाइन ऐसी बनेगी। हाँ है ना, डेल्टा एक्स और कम हो जाए तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो जाए तो ये पॉइंट इसके ऊपर टच करता हुआ निकलेगा। हाँ या ना भाई, पी और क्यू पॉइंट सेम ही हो जाएंगे ना अगर डेल्टा एक्स स्मॉल होता जाएगा। यस सर। तो फिर ये चीज क्या बन जाएगी? ऐसी एक स्पर्श रेखा बन जाएगी। यस सर। तो डीवाई बाई डी एक्स क्या देता है? स्लोप देता है। हाँ या ना, डीवाई बाई डी एक्स क्या देता है? स्लोप देता है। क्या बात समझ में आई? ये नहीं है तो लिखो, ग्राफिकली डीवाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट, लिखो ग्राफिकली डीवाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ ए कर्व। हाँ है ना, अब देखो मैं तुम एक चीज बता दूं, खास बात इसका फायदा, ये कर्व है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा स्लोप? इस पॉइंट पे अगर कोई मैं लाइन सिर्फ टच करती हुई जाएगी वो ऐसी बनेगी। इस पॉइंट पे क्या स्लोप होना चाहिए इसका? एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। यार कोई भी देख के बता देगा यार, कितना आएगा? जीरो। जीरो। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। इस पॉइंट पे स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। एक काम करते हैं, स्लोप की इक्वेशन बनाते हैं, ये तो इसकी कर्व की इक्वेशन, इसकी स्लोप की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये स्लोप की इक्वेशन आ गई इसकी।
हाँ है ना, x की वैल्यू जीरो पुट करो, देखो tan थीटा क्या आ रहा है, x की वैल्यू जीरो पुट करो, देखो tan थीटा क्या आ रहा है, जीरो जीरो आ रहा है, x की वैल्यू टू पुट करो, देखो tan थीटा क्या आ रहा है, सर फोर फोर आ रहा है, तो मतलब पॉजिटिव आ रहा है ना, x की वैल्यू माइनस टू पुट करो, देखो tan थीटा क्या आ रहा है, माइनस माइनस फोर, तो माइनस आ रहा है स्लोप। अब मैं ऐसे पूछूं, ये जो कर्व है ना, इसके कौन से पॉइंट पे मैं ये एंगल ड्रॉ करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, ताकि ये जो एंगल हो 30 डिग्री बन जाए, स्लोप 10 30 इक्वल टू किसके बराबर होता है बताओ, 1/√3 शुड बी इक्वल टू 2x, ये स्लोप की इक्वेशन है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3, मतलब ये वैल्यू सॉल्व कर लो, ये कोई ना कोई नंबर ही आएगा, आया ना, उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी, मैं कहूं वो वाला पॉइंट बताओ जहां पे 60 डिग्री एंगल बनाए, स्लोप 3/2 √3/2 tan 60 डिग्री पुट कर दो, दे कितना आ जाएगा, √3 ये किसके बराबर आ जाएगा, 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2, क्या बात समझ में आई तुम्हें, ये पता चला स्लोप क्या बताता है बेटा जी, ये बात पता चला स्लोप क्या बताता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा आपको, उसकी स्लोप की इक्वेशन मिलेगी, किसी भी टाइम पे स्लोप निकालनी हो तुम निकाल सकते हो आराम से, क्या यहां तक बात समझ में आ गई तुम्हें, लिख लो बेटा इसको, लिख लिया बेटा, यस सर, यस सर, देखो अभी एक चीज बताओ, मेरे को ये बताओ x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप क्या होगी इस कर्व की, x इज इक्वल टू 2 पे इस कर्व की स्लोप क्या होगी, देखते हैं 19
20 आ रहा है यार, यस सर 20 है ना। तो इसका मतलब ये कोई भी कर्व होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन उस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप खींचूंगा ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और इसकी जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 20। तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स 20 आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? इसका पावर देखो कितना खतरनाक है। ये कर्व मेरे को नहीं बनाना था, लेकिन वो जो कर्व बनेगा उस पे, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा, उसका टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कितना पावरफुल टूल है, सोचो तुम। x is equal to 1 पे स्लोप बताओ क्या आएगा? 4। ये बताओ इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे? देखो dy by dx करते हैं एक बार, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 पुट करो, देखो क्या आता है। x की वैल्यू -1 पुट करो, देखो क्या आता है, क्या रहा है, 0। तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आया ना। तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएगा इसका रूट, y की वैल्यू जब 0 आती है। तो y की वैल्यू जब 0 आती है तो इसके दो रूट्स होंगे, दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आया ना। ये -1 होगा तो इस पॉइंट पे स्लोप भी 0 ही आएगा। एक एक मजे की बात देखो, अगर मान लो ये 2 और ये 3 है, ठीक है, इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी, ये इक्वेशन होगी इसकी, यस सर, इसकी इक्वेशन यही होगी। जहां पे स्लोप 0 आएगा वो पॉइंट क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या पॉइंट होना चाहिए, ये क्या नंबर होना चाहिए यहाँ पे, बताओ, आइडिया दो मेरे को। यार देख के बता दो, इस पॉइंट पे जहाँ पे स्लोप 0 होगा वो बीच में सिमेट्रिक पॉइंट होना चाहिए ना, 2.5 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो यस सर। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आया, ये आएगा, यस आया ना, यस सर। अब जरा मेरे को बताओ, जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, x की वैल्यू होगी -2.5। ये इक्वेशन इसकी नहीं है, इसकी इक्वेशन ये होगी, आई बात समझे, इसकी इक्वेशन ये होगी, बीच में माइनस आएगा फिर प्लस 2.5 आ जाएगा। इस कर्व की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x+6, ये इस कर्व की इक्वेशन है, क्या बात समझ में, ये नहीं, बस मेरे को ये बता दो, कुल मिला के तुम्हें इतना समझ में आ गया क्या कि डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है? हाँ बच्चों, yes। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है मेरे हिसाब से, तुम्हें डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तुम्हें, यस सर, यस सर।
चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, अगली क्लास में इंटीग्रेशन करा दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके बच्चों, बाय 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 सर।